नमस्कार, बीटीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं हूं इस समय बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत ग्राम रूपोली वार्ड नंबर 2 में। इस समय हम एक खास खबरों से आपको रूबरू कराता हूं। आइए हम जानते हैं आज का खास खबर क्या है। मिलते हैं हम, आपका क्या नाम है? सोनू देवी। तो आपको क्या हुआ था, कैसे कैसे आपके साथ घटना हुआ, सो बताइए। और आप अपने भाई को पैसा दिए थे, तो वो पैसा जो दिए थे तो पैंचा दिए थे कि ब्याज पर दिए थे, कैसे दिए थे? पैंचा दिए थे। तो कितना पैसा दिए थे आप? 1.5 लाख रुपया दिए थे। तो 1.5 लाख रुपया पैंचा दिए हुए कितने साल हो गया? 2 साल हो गया। तो आप पैसा जब अपने भाई साहब से मांगने के लिए गए, आपका आपका सहोदर भाई है, 5 बहन हैं और भाई 1 हैं, तो अपने एकलौते भाई को आपने क्या किया, पैसा दिया, पैंचा, जरूरत पड़ा तो उसको पैसा दिए, ठीक ना? तो आप वो मांगे तब दिए कि आप बिना उसको ऐसे दिए थे, खुशनामा से दिए थे? अच्छा, मांगे थे तब दिए थे। तो 1.5 लाख रुपया उसको दिए थे, कोई काम के वास्ते लिया होगा? अच्छा, तो 1.5 लाख रुपया जो आपसे लिया गया, वो लिए तो उसका क्या नाम है, जिसको आप दिए उसका भाई का क्या नाम है? अनमोल राम। अच्छा, एक बात बताइए, अनमोल राम को जब आप पैसा दिए, तो फिर 2 साल के बाद जब पैसा आप मांगे तो क्या बोले? बीच बीच में भी कभी मांगे होंगे आप? तो बीच बीच में बोले कि कमाते हैं तब देते हैं। तो इस बार जो आप रुपया मांगे, क्या तारीख को रुपया मांगे इधर? अच्छा, आप जमीन लेने, जमीन लिए हैं, तो उसमें पैसा आप मांग ले कि पैसा की जरूरत पड़ गया, तो इसीलिए आप पैसा मांगे उससे कि भाई 1.5 लाख रुपया हमको दे दो, यही बात ना है? अच्छा, तो फिर वो आपको, आपके साथ में क्या क्या बर्ताव किया, कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या बताइए, क्या क्या हुआ? अच्छा अच्छा किसका 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 ठोठा दबने लगा? और आपके पति का गला दबने लगा? अच्छा अच्छा, अच्छा नुनूलाल राम जी कह रहे हैं और सानू देवी तो कह रही है कि अपना ही पैसा लेने के चक्कर में हमें जान से आज लेने के देने पड़ रहे थे, और वो भी हमारे करीबी और सोहदार भाई हैं, हमारे जान लेने पर तुले हुए हैं, और मेरे साथ कभी भी हादसा हो सकता है, क्या यही बात है? तो इनका कहना है कि मेरे साथ जो है कभी भी हादसा हो सकता है। युग तो बहुत गड़बड़ चल रहा है भैया, पैसा आप दिए उधार 1.5 लाख रुपया, पैंचा भी दिए और संबंधी आपको पिटबो किया, है ना? सुनते हैं कि घसीट करके भी आपको मारा, क्या यह बात सही है? नहीं, गांव घर में जो सुने हैं आस पड़ोस में, तो यही हमको पता चला, तो यह बात सही है? तो काफ़ी मारपीट आप लोगों में हो गया, तनातनी हो गया, तो इसके बाद केस मुकदमा भी आप कर दिए, तो कौन थाना में किए? गमरिया थाना में आवेदन दे दिए। चलिए, तो गमरिया थाना में आवेदन दिए तो उसके विरुद्ध जो है आवेदन दिए तो उसके विरुद्ध में तो गए होंगे जिम्मेदार वगैरह कोई? और जिम्मेदार लोगों का वैल्यू नहीं देता? अच्छा, फोन अभी आया ना हमारे घर से, अच्छा लोग बोलता गाली गलौज कर रहा है। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ यही बात विशेष है जो है, तो न्याय होना चाहिए। तो देख लिए कि ये दोनों पति पत्नी है, और ये दोनों पति पत्नी जो है एक बहन एक भाई को पैसा उधार दिए 1.5 लाख रुपया 2 साल पहले, और अभी आप बयान सुन ही लिए। 2 साल पहले पैसा दिए थे, तो 2 साल पैसा देने के बाद आप जब मांगने गए तब आपके साथ
मारपीट और हाथापाई। ये घटना तो क्या है, इससे पूर्व भी हुआ है, 4-5-10 बार भी करना हो चुका है, मतलब फिर चलो अपना कोई आदमी है, अच्छा क्या फायदा कुछ करके। अच्छा 4-5 बार पहले हो चुका है पैसे मांगने के क्रम में, और ये अब की बार विशेष हो गया, सीरियस कर दिया। तो देख रहे हैं कि ये इनका कहना है कि पहले भी हम पैसा मांग चुके हैं, और पैसा मांगने के दरमियान में पहले भी ये लोग हमारे साथ 5-10 बार कर चुका है, यह 11वां बार घटना है जी। तो आगे मैं बताता चलूं कि उधार दे करके भी 1.5 लाख रुपया अपने भाई को, है ना, क्या नाम है आपका, आपकी वाइफ का, शानो देवी, अपने भाई को 1.5 लाख रुपया और साले साहब को भाई साहब पैंचा दिए थे, उधार दिए थे, और अपना ही पैसा लेने के चक्कर में इनको आज जान से हाथ धोने की बारी आ गई। आप देख सकते हैं और कितनी सारी बातें का बयान ये भाई साहब ने किया है। अपना शुभ नाम क्या बोले, नूनूलाल राम। तो ये नूनूलाल राम जी कह रहे हैं, और सानू देवी तो कह रही है कि अपना ही पैसा लेने के चक्कर में हमें जान से आज लेने के देने पड़ रहे थे, और वो भी हमारे करीबी और तालीली हुए आपके भाई थे। अच्छा तो मारपीट खूब हुआ। अच्छा तो इसके लिए आपने थाना में भी एप्लीकेशन दिया, थाना में भी, अच्छा तो थाना में आप केस कर दिए। अच्छा तो कब आप थाना में केस किए हैं, कल? कल क्या तारीख था भैया, 29 तारीख था। तो आप जब थाना में केस किए तो वहाँ से सुनवाई हुआ कि नहीं, वहाँ से बारा बाबू किसी को भेजे कि नहीं? अच्छा तो आज भेजे थे, यानी आज 30 तारीख थे, है ना, तो 30 तारीख को आप भेजे, मैंने 30 तारीख को जमादार साहब आपके यहाँ गए छानबीन करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या बोले, आप घर पर नहीं थे, ठीक ना। तो आप बताइए कि और कुछ विशेष बोलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका, आप कुछ तो चाहते होंगे ना, पैसा मिलना चाहिए। पैसे नहीं मिलते कि वैसा ना की करे चाहे। अच्छा तो पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपके पति देव आए हुए हैं, तो मिलाइए उनको, उनसे हमको। हाँ बताइए कि आपके साथ कैसे कैसे घटना हुआ, क्या क्या बात हुआ। अभी हमारा साला जो है ना, हाँ, वो मारने लगा कोदाल से। अच्छा तो साला के जो चाचा है, हाँ, दिनेश राम, और उसका बेटा है पिंटू राम, उन लोग उसका बीवी भी जो सब आके मारने लगा उन लोग। अच्छा तो कुदाली से मारा तो कहीं कटा उटा होगा ना, हम पकड़ लिए थे कुदाली को, आप पकड़ लिए। अच्छा हमारा एक साली है, उसको भी मारा, उसको यहाँ दो जगह चोट भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे चोट भी है। साली आपको बचाने के लिए आया, बचाने के लिए आया, उसको कुदाल का चोट भी है। अच्छा इसके ही बहन को बचाने के लिए आई, तो मैंने साली तो आपका सैडली भैया, है ना, लेकिन साला आपको, है ना, कसाई निकल गया ना। अच्छा तो आपके ससुर वगैरह कुछ उसको बताए, बुझाया समझाए कि नहीं? ससुर अनपढ़ है, बहुत बेकार आदमी, वो बेकार आदमी है। तो अभी आप रहते कहाँ हैं? ससुराल में रहते हैं, दोनों आदमी बाल बच्चे के साथ ससुराल में रहते हैं। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए। अभी दोपहर में भी जो थानेदार साहब गया था, तभी वो पागला पार्टी बोलता है, थाना आया तो क्या करेगा, हम कुछ नहीं होगा, क्या अच्छा। कर लेगा, जो होगा देख लेंगे। अच्छा तो अभी आएगा तो आपके बच्ची को भी पिटाई किया? बच्ची को नहीं किया। अच्छा मसाले को हम खेल। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सु खुशगवार हो और हर खुशगवार सु का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।